प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर प्रार्थना करें। एज अ चर्च वी हैव रेज्ड प्रेयर इन दीज डेज एंड वी वुड लाइक टू स्पेसिफिकली प्रे फॉर यू इफ यू हैव अ पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट। अगर आप में से किसी को व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना की जरूरत है तो हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अ लिंक गिवन और इन द लाइव चैट्स द सेम लिंक इज अवेलेबल where you can just click on that, put your name and number and your prayer request and click on the submit button and the prayer request will be made available to us. Aap us description box mein ya live chat mein ek link aapko mil jayega, us link ko daba ke click kijiyega aur us form ko aap fill up kar dijiyega, aapka naam, number aur prarthna ka jo request hai आप उसमें भर दीजिएगा और सबमिट बटन दबा दीजिएगा। ये प्रार्थना का जो रिक्वेस्ट है हमारे पास आ जाएगा और हम में से कोई आपको कॉल करेंगे और आपके साथ प्रार्थना में टाइम स्पेंड करेंगे। वन ऑफ अस फ्रॉम आवर चर्च, फ्रॉम आवर लीडर्स विल कॉल यू एंड विल बी विथ यू इन दिस प्रेयर, इन दिस टाइम ऑफ प्रेयर। गॉड ब्लेस यू। सबको नमस्कार। कलिसिया सवेरे और शाम को 7:30 से 8:30 बजे जूम ऐप के द्वारा बिछवाई की प्रार्थना में शामिल होते हैं। आप सब हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं जूम ऐप के द्वारा। हिंदी कलिसिया की प्रार्थना दर रोज शाम 5 बजे से 6 बजे जूम ऐप के द्वारा होती है। आप हिंदी कलिसिया के प्रार्थना में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस प्रार्थना के बारे में, आप किसी भी सदस्य से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या कलीसिया के सोशल मीडिया पेज में लिखकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय मसीह।
Pray without ceasing. Nirantar Pratna Kare. As a church, we have raised prayer in these days, and we would like to specifically pray for you if you have a personal prayer request. Agar aap mein se kisi ko vyaktigat taur pe prarthna ki zarurat hai, to hum aapke saath prarthna karna chahte hain. You can see in the description box a link given, or in the live chats, the same link is available. Where you can just click on that, put your name and number and your prayer request and click on the submit button and the prayer request will be made available to us. Aap us description box mein ya live chat mein ek link aapko mil jayega, us link ko daba ke click kijiyega aur us form ko aap fill up kar dijiyega, aapka naam, number aur prarthna ka jo request hai आप उसमें भर दीजिएगा और सबमिट बटन दबा दीजिएगा. ये प्रार्थना का जो रिक्वेस्ट है हमारे पास आ जाएगा और हम में से कोई आपको कॉल करेंगे और आपके साथ प्रार्थना में टाइम स्पेंड करेंगे. वन ऑफ अस फ्रॉम आवर चर्च, फ्रॉम आवर लीडर्स विल कॉल यू एंड विल बी विथ यू इन दिस प्रेयर, इन दिस टाइम ऑफ प्रेयर. गॉड ब्लेस यू. प्रभु यीशु मसीह के प्रेमरे नाम में सबको नमस्कार. कलिसिया सवेरे और शाम को 7:30 से 8:30 बजे जूम ऐप के द्वारा बिचवाई की प्रार्थना में शामिल होते हैं. आप सब हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं जूम ऐप के द्वारा. हिंदी कलिसिया की प्रार्थना दर रोज शाम 5 बजे से 6 बजे जूम ऐप के द्वारा होती है. आप हिंदी कलिसिया के प्रार्थना में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस प्रार्थना के बारे में, आप किसी भी सदस्य से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या कलीसिया के सोशल मीडिया पेज में लिखकर हमसे संपर्क कर सकते हैं. जय मसीह.
सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की आराधना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ना चाहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 और 24 में से लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। ये जो वचन है, जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे हैं उस समय ये बताते हैं कि वो समय शीघ्र ही आने वाला है कि जब आराधना किसी विशेष भवन में नहीं बल्कि परमेश्वर के जन उसके लोग आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। वे जहाँ कहीं भी रहेंगे वे प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। आप देख लीजिए, परमेश्वर ने एक ऐसा अवसर हम सब के लिए जीवन में दिया कि हम जहाँ कहीं भी हैं अपने घर अपने परिवार के साथ, आज हम अपने कलीसिया में नहीं जा पाते लेकिन अपने घर में अपने परिवार के साथ हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं उस जगह में प्रभु की महिमा और स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने अपनी आत्मा को हम सब के ऊपर उंडेला है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ को अपने हर एक विश्वासियों के ऊपर उंडेला है। इसलिए हम सब जो उसके लोग कहलाते हैं, आइए हम मिलकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं खास तौर पर उन सभी भाई बहनों के लिए जो आज की इस पवित्र आराधना में पहली बार जुड़े हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें और TCFC परिवार आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग भले चंगे हैं, परमेश्वर में आप आनंदित हैं, बलवंत हैं। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक मन किया है, परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ा है कि हम एक साथ मिलके उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में हम कर सकें। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसका धन्यवाद करें, उसकी हम स्तुति करें, उसके नाम को अपनी स्तुतियों में हम ऊँचा उठा सकें। और परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम हैं हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और वो हमारी स्तुतियों में विराजमान होता है। हालेलुया। तो आए मिलकर अपने पूरे बल से पूरे मन से हम परमेश्वर की आराधना करें। उसकी दया से हम आज जीवित हैं और उसकी कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आज कितने सारे लोग इस दुनिया में जो अपने जान को अपने जीवन को खो चुके हैं और इस दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन आज तक परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। तो आए मिलकर उसको याद करते हुए, उसके हर एक उपकारों को याद करते हुए, उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके हर एक चीज़ों के लिए उसको धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। मिलके गा सकते हैं, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग उसने डाला है, सारी सृष्टि को उसी ने बनाया है। रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा,
रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 ओ यीशु तेरा, धन्यवाद। उसके उपकारों को याद करते हुए आए उसकी स्तुति करें। ओ भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। हे भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद ओ यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। वो ही यहोवा शालोम जो शांति देता, और यहोवा निसी जो हरदम जय में हमें ले चलता। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला, तू है यहोवा शालोम हमें शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, ओ यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से हम जीवन जीते हैं, हम जीवन जीते हैं, आमेन आमेन, यीशु तेरी कृपा से हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाए धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद 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 ओ यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद गाए यीशु तेरा, धन्यवाद हाँ बोले यीशु तेरा, धन्यवाद हालेलुया, ओ तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हमारे प्रभु, तेरा धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरे हर एक उपकारों के लिए प्रभु, तेरी दया से हम आज भी जीवित हैं परमेश्वर, तेरे ही कृपा से, तेरे ही अनुग्रह से परमेश्वर हम आगे बढ़ते हैं खुदा, धन्यवाद धन्यवाद। आए मिलकर हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, हालेलुया, वो ही हमारा सब कुछ है। आए उसकी स्तुति करें। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु,
संभव है सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, हालेलुया। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। शालोम यहोवा मेरा शांतिदाता, निसी यहोवा जे का झंडा मेरा। शालोम शालोम यहोवा मेरा शांतिदाता, घोषणा करे निसी यहोवा जे का झंडा मेरा। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। ओ ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। रोही यहोवा मेरा चरवाहा, ईरे यहोवा मुहैया करता है। रोही यहोवा वो मेरा चरवाहा, ईरे यहोवा मुहैया करता है। ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। ओ ये प्रभु मेरा प्रभु, पिता वो मेरा आनंद है। सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। संभव है सब कुछ उसके लिए, सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। हाँ सारी सृष्टि का रचने वाला पिता वो मेरा आनंद है। सारी सृष्टि का रचने
हमारी शांति। ओ सेनाओं के यहोवा जो हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो यहोवा हमारे संग है, उसके लिए सब कुछ संभव है। जंगल में से मार को निकालने वाला, असंभव को संभव करने वाला, हमारा अद्भुत प्रेमी परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु, उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। वो ही सच्चा जीवित खुदा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशुआ, यीशुआ। ओ हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। आ तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा।
शैतान को छूने न देना। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सनैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सनैया को भव सागर में खोने न देना। प्रभु हमको रचने वाले परमेश्वर, हमसे प्रेम रखने वाले, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति गाते हैं खुदा, तू ही उसके योग्य है। ये जीवन तूने हमको दिया ताकि तेरी महिमा के लिए हम जिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, ये समय आपने हमें दिया है अपनी दया में, अपनी करुणा में परमेश्वर, अपने अनुग्रह में परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि हम मिलकर आपकी स्तुति कर सके कुछ पल, कुछ गीतों के द्वारा। विश्वास करते हैं हमारे स्तुतियों में आप विराजमान हैं खुदावन, सारी आदर महिमा आपको मिले परमेश्वर, आप ही हमारा केंद्र हो। धन्यवाद, प्रार्थना को विनती को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। सभी लोग जय मसीह की, आइए हम भी चौथी प्रार्थना में जाएंगे और आप सबके प्रोत्साहन के लिए एक वचन पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 34 उसका 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रभु का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें कि आइए हम सब प्रभु को धन्यवाद दें। अभी जो ही प्रार्थना में जाएंगे कि प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, सच में प्रभु तेरे करीब जो भी आया प्रभु जी, प्रभु तन मन के साथ आया प्रभु, तूने उनके जीवन का उद्धार किया प्रभु जी, प्रभु हमें विश्वास है प्रभु तू कार्य करने वाला प्रभु है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, अपने भारत देश के लिए दुआ करते मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। ओ परमेश्वर हर एक ऐसे कार्यों को प्रभु जी आप मदद कीजिएगा प्रभु जी, खासकर दुआ करते प्रभु इस देश में जो कोरोना वायरस है प्रभु, इसके लिए दुआ करते मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आप इसे दूर करें मेरे पिता प्रभु जी। ओ प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी इसमें संक्रमित हैं प्रभु जी, उन्हें आप छुए और चंगाई दे मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जो चारों ओर प्रभु बाढ़ का त्राही ताई मचाओ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु उन्हें भी सहायता और मदद करे प्रभु जी, उनके हर विषय में प्रभु
हम दुआ करते हैं प्रभु उनको सहायता और मदद कर प्रभु जी, खासकर इस देश के डॉक्टर और नर्सेस के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, उनको भी सहायता और मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हमारे खुदावन परमेश्वर प्रभु, आप कार्य करने वाले प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो इस समय प्रभु बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं मेरे पिता प्रभु जी, आप सहायता कीजिए उन्हें प्रभु जी, ऑनलाइन के द्वारा जो एग्जाम है प्रभु जी, उन्हें पढ़ाई लिखाई में प्रभु उनका मन लगने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। ओ प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हमारे प्यारे पिता, आप कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। ओ परमेश्वर हम अपने हृदय को प्रभु जी आपकी ओर उठाते मेरे पिता प्रभु जी, अब प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप कार्य करें मेरे पिता प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर यहोवा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खास करके TCFC चर्च के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी और ब्रांच चर्चेस के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रत्येक जन को आप इस्तेमाल करें मेरे पिता प्रभु जी, उन्हें दे प्रभु इस देश में आपकी बेदारी होने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर मेरे यहोवा खुदा प्रभु जी, आपकी हुकूमत को मांगते मेरे पिता प्रभु जी। ओ परमेश्वर आप दया कीजिएगा प्रभु, हालेलुया प्रभु, हम सबको सहायता और मदद करना मेरे पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु हर एक विषय के लिए प्रभु आपके सामने आते हैं प्रभु जी, प्रभु खासकर दुआ करते हैं प्रभु, जो वचन आपको दाश लेकर के आ रहे हैं मेरे पिता प्रभु जी हमारे बीच में, प्रभु आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के द्वारा प्रभु जी, आप स्वयं प्रत्येक जन से बातचीत करें प्रभु, धन्यवाद। बहुत सारे हमारे जीवन में क्वेश्चन, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कठोरता मनीलता है प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब उद्धार पाने पाए, एक नया और तरोताजा होने पाए मेरे प्रभु जी। नम्र और दीन होकर के हम प्रभु पुकारते मेरे खुदावन परमेश्वर, हमारे जीवन को प्रभु शुद्ध करें मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते मेरे खुदावन परमेश्वर, आपका महिमा आपका जोर और जलाल होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार, प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि उसने फिर से हमारी सहायता की कि हम आराधना के इस दिन एकत्रित हो सकें। हम अलग अलग जगहों पर हैं लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से फिर से हमें एक साथ मिलकर आज आराधना करने का अवसर दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप परिवारों के साथ मिलकर ये समय आराधना के लिए एकांत में या परिवार के साथ ले रहे हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के इस मनन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, हालेलुया पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया आप अपने वचन को भेजकर प्रभु अपनी चंगाई को लेकर आने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया आप अपने वचन को भेजकर जीवन को ज्योति को लाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया आपका प्रभु ज्योति, आपका प्रकाशन, आपका जीवन प्रभु, हालेलुया प्रभु आज प्रत्येक हृदय में प्रभु कार्य करने पाए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना और विनती सुनने के लिए, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। सबको फिर से प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं और एक नए शुरुआत को प्रभु ने कलीसिया के तौर पर हमें दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु जीवनों को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु जो निकम्मा था उसको उपयोगी बनाने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जो जीवन पाप में किसी काम के न थे लेकिन प्रभु के इस उद्धार के कार्य ने हमें परिवर्तित किया कि हम प्रभु के लिए उपयोगी हो सकें और साथ ही प्रभु का कार्य जो है मेल मिलाप में, हमारे संबंधों में, हमारे जीवन में जो है उस मेल मिलाप को जो परमेश्वर के साथ स्थापित हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, उसी मेल मिलाप को आगे भी हमारे संबंधों में प्रभु लेकर जाने के लिए अनुग्रह देते हैं, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। मैं अक्सर जब कुछ घर पे काम करता हूँ तो अगर कोई टूल बॉक्स साथ में रखा हुआ है तो यदि मेरा बेटा जो है उस टूल बॉक्स में से सामान उठा उठा कर ले जाता है तो मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में जो है डिस्ट्रैक्शन या उस काम में वो बाधा बन जाता है जब वो सामान को लेकर चला जाता है। लेकिन यदि
वही बेटा जो है, यदि मेरे को जो मेरे को सामान चाहिए उसको वो देने में जो है मेरी मदद करे, तो जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उसमें मैं जल्दी से और अच्छे से उसे कर पाता हूँ। तो यदि हम परमेश्वर के इस जो कर रहे हैं उस उद्देश्य को यदि हम पहचानेंगे, तो हम उसके साथ इस रीति से यदि योगदान देंगे जिससे कि परमेश्वर जो है उस कार्य को जो वो करना चाहता है उसमें हम योगदान दें, तो हम अपने और उसके उद्देश्य को, अपने जीवन के और उसके उद्देश्य को पूरा करने वाले ठहरेंगे। जैसे कि पौलुस ने कहा कि जब वह अज्ञानता में था तो वह कलीसिया को सताने वाला और निंदक और परमेश्वर का विरोधी था, तो एक ऐसा समय था, लेकिन परमेश्वर की महाकरुणा ऐसी हुई कि उसने जो है सबसे बड़े पापी के ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह किया, कि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता को पूरी रीति से पौलुस के जीवन में दर्शाया, कि वह जो है परमेश्वर के विरोध वाले जो उद्देश्य में या परमेश्वर का जो कार्य बिगाड़ने का जो उद्देश्य था उससे मुड़कर वो है परमेश्वर के उस उद्देश्य में उसने अपने जीवन को समर्पित किया। तो आज के संदेश का जो मुख्य जो शीर्षक है वो यही है कि यदि हम यीशु को पहचानते हैं, यानी कि और उसके उद्देश्य को, उसका जो लक्ष्य, उसका जो कार्य है, यदि उसको यदि हम पहचानते हैं तो हम शिष्यता में भी बढ़ेंगे, यानी कि जो परमेश्वर का उसी तालमेल के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ जो है हम आगे बढ़ सकेंगे। यीशु मसीह को पहचानना, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो मैं यीशु मसीह को अभी तक नहीं पहचान पाया। आज जो है यीशु मसीह के विषय में या यीशु मसीह कौन है इस सत्य को लेकर जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है, और ख़ासकर आज जो इंटरनेट का युग है उसमें अनेकों मैसेजेस, अनेकों संदेश जो हैं, अनेकों विचार जो हैं आज हमारे मन में और हमारे कानों में हमें सुनाई देते हैं, तो उसमें मैं कैसे परखूं कि वास्तविक जो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह की सच्ची पहचान है वो कहाँ है। तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनेकों ऐसी प्रभाव हैं या शिक्षाएं हैं जो एक दूसरे यीशु को भी प्रस्तुत करती हैं। दूसरा यीशु, जी हाँ, पौलुस की पत्री दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय और 4 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जिस प्रकार से सर्प ने हव्वा को बहकाया, उसी प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं डरता हूँ कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया है वो इस बहकावे में ना आ जाए, क्योंकि अनेकों लोग हैं जो दूसरे यीशु का प्रचार कर रहे हैं और कोई दूसरी ही आत्मा को दे रहे हैं और कोई दूसरा ही सुसमाचार वो सुना रहे हैं। तो सुसमाचार के आरंभ से, प्रभु यीशु मसीह के उस पहली शताब्दी से ही जो है एक दूसरे अनेकों काउंटरफिट या नकली जो यीशु है, दूसरे यीशु हैं, उनका प्रचार और काउंटरफिट या नकली ही सुसमाचार और नकली दूसरी ही प्रकार की आत्माएं जो हैं देने वाले अनेकों शिक्षक जो हैं एकत्रित हो गए थे। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। हम कैसे पहचान पाएंगे वास्तविकता क्या है या वास्तविक संदेश क्या है? यीशु मसीह का वास्तविक चित्र जो चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर जो हमें प्राप्त होता है, वो बाइबल में नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु के सुसमाचारों में हमें प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता मिलती है। प्रभु के सुसमाचारों में जो सबसे पहला जो सुसमाचार है, जो लिखने में सबसे पहला था, हालांकि क्रम में सबसे पहला मत्ती का सुसमाचार है, लेकिन ये माना जाता है कि लिखने में जो सबसे पहला सुसमाचार है वो मरकुस का सुसमाचार है। इतिहास ये बताता है कि वह पत्रस के बयानों को या पत्रस का जो अनुभव है प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो घनिष्ठता का जो जीवन, 12 शिष्यों में से एक जो पत्रस का जो जीवन था, उसके बयानों के आधार पर मरकुस ने मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा है। एक पुस्तक है जिसे कोल्ड केस क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, उसमें एक पुलिस अफसर है जो कि बयानों को विश्लेषण करने वाला एक व्यक्ति है। तो वो नास्तिक व्यक्ति है, तो उसने सोचा कि
क्यों ना मैं ये जो गवाहियां हैं इनका भी विश्लेषण उसी आधार से करता हूं जैसे पुलिस वाला अनेकों चश्मदीद गवाहों के बयानों का विश्लेषण करता है। तो उसने अपने पुस्तक में लिखा कि जब मैंने मरकुस के सुसमाचार को पढ़ा तो मैंने यह जान लिया कि यह जो है पत्रस के बयानों के आधार पर लिखा गया सुसमाचार है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी यह पूछते हैं कि आज जो हमारे मनन का भाग है कि लोग क्या कहते हैं कि यीशु कौन है, यीशु की वास्तविक पहचान क्या है। और आइए हम आ जाएं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 27वीं आयत। मरकुस 8 का 27 से 38। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पत्रस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। यहाँ पर यीशु अपनी पहचान को का खुलासा जो है मरकुस के सुसमाचार में इस 8वें अध्याय में कर रहे हैं। वे एक जगह पर अपने शिष्यों के साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं। कुछ लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बता रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एलिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद यर्मिया भविष्यद्वक्ता वापस आ गया है और ऐसे ही या कोई और भविष्यद्वक्ता जो है वो फिर से वापस लौट आया है। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। हम जवाब में पत्रस के उत्तर को पाते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा कि तू मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चिताकर कहा, अपने शिष्यों को ये बोला कि यह अभी इसका खुलासा या अभी इसके बारे में किसी से मत कहना, यानी कि यह एक सच्ची एक बात है जो पत्रस ने अंगीकार किया। और प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो ये कहते हैं कि यह तुम्हारे को जो जानकारी मिली है यह इधर उधर से या लोगों से यह प्राप्त नहीं हुई है या तुम्हारा अपना भी विचार नहीं है कि वास्तव में यीशु कौन है। यह स्वयं परमेश्वर ने, पिता ने यह प्रकाशन जो है तुम्हें दिया है। और प्रभु यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि मैं वो मसीह हूँ जो अपनी उस मसीही एक समुदाय को भी, मैं भी वो कलीसिया बनाऊँगा और अधोलोक के फाटक कोई भी शक्ति जो है कोई भी उसके विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा। पत्रस ने उत्तर में कहा कि तू मसीह है। हम प्रभु का नाम जानते हैं यीशु, जैसे स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, यानी कि वह अपने लोगों को पापों से बचाएगा। यीशु जो पद है उसका अर्थ है कि परमेश्वर बचाने वाला है और वह पापों से बचाएगा। और यहाँ पर पत्रस का अंगीकार है कि तू मसीह है, यानी कि यीशु जो है, जो यीशु है वही मसीह है। मसीह का अर्थ जो है वो अभिषिक्त, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इज़राइल का होने वाला राजा जिसका राज्याभिषेक किया गया है। तो इज़राइल का राजा एक मसीह, वही प्रभु यीशु हैं जो कि आज शिष्यों के साथ उपस्थित हैं। यह अंगीकार पत्रस ने किया। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक इतिहास की पृष्ठभूमि आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि बाइबल के आरंभ में परमेश्वर ने सृष्टि, यानी कि परमेश्वर ने एक राजा के समान एक राज्य को बनाया, एक नए राज्य को स्थापित किया। और परमेश्वर जो है वो उस परमेश्वर के राज्य का जो अधिकारी है या राजा है। और जैसे एक राजा अपने उस राज्य में अपने प्रतिनिधित्व को या अपने जो
जो उसके प्रतिनिधि होंगे उनको स्थापित करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को उस सृष्टि में अपनी ओर से अधिकार और शासन करने के लिए जो है पृथ्वी पर ठहराया, और वो जो परमेश्वर के स्वरूप और सदृश में परमेश्वर की ओर से जो प्राप्त अधिकार को लेकर शासन करने के लिए और पृथ्वी की उसकी सृष्टि की देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने उसे रखा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के उस अधीनता से या परमेश्वर के उस राज्य से बाहर निकलने के लिए बलवा किया, और पाप के कारण जो है वह परमेश्वर से दूर हुआ। परमेश्वर ने फिर भी उन्हें वापस बुलाने के लिए अपने उस उद्धार और छुटकारे के कार्य को इज़राइल के लोगों के बीच में किया, और वो उन्हें गुलामी से छुड़ा के लेकर आया और उन्हें एक नए जो देश में स्थापित किया। उस देश में न्यायी जो है शासन करने लगे, लेकिन एक समय ऐसा आया जो हम पहला समूएल 8वें अध्याय में देखते हैं कि लोगों ने एक राजा की मांग की और उन्होंने कहा कि जैसे और लोगों के राजा हैं वैसे ही हमारा भी एक राजा होना चाहिए। समूएल को परमेश्वर ने कहा कि यह पहला समूएल 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से है कि जो वे चाहते हैं तू उनके लिए कर, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं लेकिन मुझे राजा के तौर पे निकम्मा जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नए राज्य में परमेश्वर उन्हें लेकर आया, लेकिन वहाँ पर भी वो परमेश्वर को राजा की जगह पे किसी और को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। और जो राजाओं के इतिहास का सारांश है उसको भविष्यद्वक्ताओं ने कुछ इस प्रकार से जताया, हे इज़राइल तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। हम देखते हैं कि इज़राइल का पूरा देश जो है वो बंधुआई में चला गया, उनके देश में फिर कोई भी राजा ना रहा। अब एक ऐसा समय है जब इज़राइल फिर से गुलामी में है, और यहाँ पर वो रोमी शासन की गुलामी में है, और कोई भी इज़राइल के ऊपर राजा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का एक वायदा था जो कि उसने दाऊद को दिया था कि उसके सिंहासन जो है वो हमेशा के लिए बना रहेगा, यानी कि उसके सिंहासन पर जो है वो परमेश्वर अपने पुत्र को या परमेश्वर का पुत्र जो है वो आएगा, और वो जो प्रभुता है वो उसके कंधे पर होगी कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, और वो इज़राइल का राजा बनकर जो इज़राइल में फिर से शासन करेगा। यह एक आशा थी जो कि इज़राइल के लोग लगाए हुए थे, और आज पत्रस जो यह अंगीकार यीशु मसीह के सामने कर रहा है वो यह कर रहा है कि परमेश्वर का वो जो वायदा किया हुआ राजा है जो कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएगा या परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा कि परमेश्वर का राज्य आ गया है फिर से, वो तू ही है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसने कहा। तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वह अविनाशी एक राजा हैं, वो मात्र एक संसारिक राजा के तौर पे नहीं है जो कि दाऊद के संतान के तौर पर दाऊद के सिंहासन पर विराजमान हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वयं देखते हैं कि उन्होंने शास्त्रियों और फरीसियों से ये पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मसीह कौन है। आइए देखते हैं मरकुस 12 उसका 35 से 37वीं आयत में। मरकुस 12वां अध्याय 35 से 37 पद। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा कि शास्त्री क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहीने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के पीढ़ी ना कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि
यदि वह मात्र एक संसारिक राजा है, जो मसीह जो है, यदि वह मात्र एक संसारिक राजा है तो दाऊद उसको कभी भी प्रभु करके नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तो दाऊद की संतान है। और वास्तव में यीशु ने अपने विषय में क्या इस पहचान को अंगीकार किया? प्रभु यीशु का क्या विचार है कि वह मसीह है या नहीं? जब उनको पकड़कर क्रूस की मृत्यु का वो दंड देने से पहले जो अंतिम सवाल उनसे जो महायाजक ने पूछा, वो इस प्रकार से है, जो हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14:61-65 में देखते हैं। मरकुस 14:61-65 पद, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। यहाँ पर महायाजक का सीधा यह सवाल है कि क्या तू वही परम धन्य यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मसीह है? तो इसका जवाब प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि मैं हूँ, और तुम ये देखोगे, तुम सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर और बादलों पर आता हुआ मुझे देखोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वही जो है वो परमेश्वर और वो अविनाशी राजा हैं, जिसका जो भविष्यवाणी है जो हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा दानियल की पुस्तक उसका 7:13-14। दानियल 7:13-14। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। दानियल के इस दर्शन में हम देखते हैं कि अनेकों राजा और अनेकों शासन इस प्रकार से आए जो जानवरों के जैसे, जो राज्य और ताकतें हमें नज़र आती हैं, कोई सिंह के समान, कोई रीछ के समान, कोई चीते के समान, या और कोई ऐसे बहुत सारे सींग वाले जानवर के समान। लेकिन यहाँ पर अंततः जो एक अविनाशी और अटल राज्य है वो एक मनुष्य के पुत्र के पास पहुँचा, और वो जो है वो जाति जाति के ऊपर, हर एक कुल और हर एक भाषा के ऊपर जो है हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने वाला एक राजा के तौर पर बादलों पर वो लेकर आया गया सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास। और यहाँ पर क्रूस के उस दंड से ठीक पहले जो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि वही वो अविनाशी राजा हैं जो कि प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है, और साथ ही वो उस सिंहासन पर विराजमान है जहाँ पर सारे सभी का न्याय करने के लिए वो विराजमान है। तो वास्तव में यीशु की पहचान क्या है जो हम उनके चश्मदीद गवाहों के बयानों से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो अनंत काल के राजा, जो परमेश्वर स्वयं अब राजा बनकर आया है, और परमेश्वर का राज्य जो आ गया है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के उस सच्ची पहचान को जो पत्रस ने बताया, प्रभु ने कहा कि इसे
अभी मत बताना, क्योंकि प्रभु का एक और भी कार्य है जो उसे करना है। एक समय आएगा जब वो जो उन्होंने गुप्त में जो बातें बोली हैं वो छतों से उसका प्रचार करेंगे, जो कि हम देखते भी हैं कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय उसके 34 से 36वें आयत में किस प्रकार से पत्रस ने यीशु मसीह के इस वास्तविक सच्चाई का प्रचार किया। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 34 से 36 पद। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। क्योंकि प्रभु का अभी एक और भी कार्य था जो शेष था, इसलिए उसने कहा कि यह अभी किसी से ना कहना। और वो जो कार्य है उसे हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 31 से 33वें आयत में। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पत्रस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के एक और उद्देश्य को साफ साफ अपने शिष्यों से बता रहे हैं कि वह जो है वो बहुत ही क्रूरता से जो है सताए जाएंगे और उनको जो है मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और तीसरे दिन वह फिर से मुर्दों में से जी उठेंगे। और यह बात वह स्पष्टता से अपने शिष्यों को बताने लगे। तो ना केवल प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो अविनाशी राजा हैं जो परमेश्वर के राज्य का जिन्होंने उद्घाटन किया, साथ ही साथ हम उनके एक और पहचान को आज सुबह देखते हैं कि वो हमारे महायाजक भी हैं। यानी कि वो जो महायाजक का जो कार्य है, मैं भजन 110 का पहला और चौथा आयत जिसमें परमेश्वर ने ये कहा कि प्रभु ने मेरे प्रभु को अपने दाहिनी ओर बैठाया है, और साथ ही चौथे आयत में हम देखते हैं कि तूने उसको सर्वदा के लिए मलकीसदक की रीति पर याजक भी ठहराया है। तो एक ऐसा राजा जो हमेशा के लिए एक महायाजक भी होगा, और प्रभु यीशु मसीह के उस जो महायाजक के तौर पर जो कार्य है, यानी कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो है जो संबंध को स्थापित करने वाला जो कार्य है, मध्यस्थता का जो कार्य है, बिचवई का जो कार्य है जो एक याजक करता था, और यहाँ पर हम यीशु मसीह के उस महायाजकीय कार्य को देखते हैं जहाँ पर अब जो है हमेशा हमेशा के लिए हर एक बलिदान का जो समापन हुआ कि अब कोई भी बकरों या बैलों या पशुओं की पक्षियों की जो बलिदान है उनको देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो फाइनल जो अल्टीमेट जो सैक्रिफाइस है, जो अंतिम बलिदान है जो महायाजक ने दिया, वह स्वयं अपने जीवन को बलिदान के तौर पे दिया। और क्रूस की मृत्यु पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के लिए पापों के लिए बलिदान के तौर पर उस महायाजकीय सेवा कार्य को निभाया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर पापों का उद्धार करने का जो कार्य है कि अब हम जो हैं पापों को सज़ा लिए हुए नहीं, लेकिन पापों की क्षमा हमने प्राप्त की है। और साथ ही उसने मृत्यु को भी हराया क्योंकि वह तीसरे दिन जी भी उठा। और यह जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला महायाजक है, इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा किया। हम जैसे यीशु के लक्ष्य को देखते हैं कि यीशु के जीवन का लक्ष्य क्या था, लेकिन
एक और भी जो चित्र है वो शिष्यों के मन में है कि वो केवल एक राजा को ही चाहते हैं, और वो राजा भी कैसा है जो कि राजसी वैभव और शान और ताकत जो संसार की रीति से दृश्य है, वो कभी भी ऐसा राजा नहीं चाहेंगे जो कि सताया जाए या क्रूस पर चढ़ाया जाए। और इस चित्र का जो विरोध है वो पतरस के मुंह से हम फिर से सुनते हैं कि उसने कहा कि ऐसा कभी ना हो कि तू क्रूस पर चढ़े, और क्रूस पर जाने से प्रभु यीशु मसीह को उसने रोका, यानी कि मनुष्य का उद्धार कभी भी संभव ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस लक्ष्य को पूरा किया जब उसने कहा कि शैतान तू सिर्फ मनुष्यों के बातों पर मन लगाए रहता है और परमेश्वर की बातों पर नहीं। तो उसने शैतान की इस योजना को अपने जीवन से दूर किया। शैतान जो है हमेशा क्रूस का विरोध करने वाला है, और वो प्रभु यीशु मसीह को पहले ही वो राज्य और वैभव दिखाकर जो है उस क्रूस के उस मार्ग से उसे हटाना चाहता था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने सामने से दूर किया। और यहाँ पर फिर से जो है शैतान फिर से वो योजना लेकर आया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमेशा हमारे जीवन में भी जो है वो शैतान हमेशा क्रूस के उस मार्ग में जाने से जो विरोध को उत्पन्न करेगा, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि हमारे पापों की हमें क्षमा मिले। वो हमेशा यही चाहता है कि हम पापों की सज़ा में पड़े रहें। साथ ही वो हमेशा ये चाहता है कि मृत्यु के भय में जो है वो हमेशा बने रहें, मृत्यु के डर में वो बने रहें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और उस पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने हमें उस पापों की सज़ाओं से और साथ ही मृत्यु के उस भय से हमें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद किया है। जो प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रभु का क्या उद्देश्य है, उनके लिए प्रभु का क्या उद्देश्य है, आइए देखते हैं हमारे आज के मनन के जो अंतिम भाग है 8वें अध्याय का 34 से लेके 38वीं आयत में। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं उनके लिए प्रभु का जो बुलाहट है वो यह है कि पहला प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो अर्थ है वो ये है कि अपने आप का या अपने स्वार्थी जीवन का इनकार करना, मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दूसरा जो प्रभु ने कहा कि जो उसके पीछे होना चाहता है वो यह जान ले कि उसे क्या पाना वो क्या पाना चाहता है, क्या वह एक संसार का जीवन पाना चाहता है या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मिक जीवन पाना चाहता है। कोई भी दो स्वामियों की एक साथ सेवा नहीं कर सकता। यदि वह संसारिक जीवन को पाएगा या संसारिक जीवन के पीछे पड़ेगा जो केवल एक दिखावे का जीवन है तो वह परमेश्वर के आत्मिक जीवन को खोएगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है उस आत्मिक जीवन के जो मूल्य को बताते हैं, और उसका जो मूल्य है वो क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम आत्मिक जीवन को खो देंगे तो उसके मूल्य में हम पूरे संसार भर की जितनी भी अर्जित जो बहुमूल्य चीज़ें हैं वो हम देकर भी जो है
वो हम आत्मिक जीवन को नहीं ग्रहण कर सकते या आत्मिक जीवन को हम नहीं प्राप्त कर सकते। जो तीसरी जो बात है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले एक शिष्य को जानना है, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा न्यायी है वो एक दिन प्रतिफल देगा। वह अपनी महिमा में अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने जो है जब न्याय करेगा, तो उस समय वो जो शिष्यत्व के मार्ग में आगे बढ़े हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में आदर पाएंगे। जो आत्मिक जीवन के लिए जो प्रभु के पीछे इस संसार में आगे बढ़ेगा और प्रभु की बातों से नहीं लजाएगा और उस आत्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, तो प्रभु भी उसे अपने उस राज्य में शामिल करने से या प्रभु भी जो है उसका अंगीकार पिता के सामने करने से नहीं लजाएगा। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने को, पीछे आने वाले जो शिष्यत्व का जीवन है उसके उद्देश्य को भी मरकुस रचित सुसमाचार से हम देखते हैं। हो सकता है हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हों, जैसे कि पतरस चल रहा था, और लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती भी चल रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जो है वो वास्तव में उसकी दृष्टि कहाँ पर है, वो हम उन दोनों जीवनों के साथ देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज सुबह प्रभु यीशु मसीह के पीछे कौन हो लेना चाहता है? मुझे याद आता है एक व्यक्ति जिनका नाम है एग्नेस जोन्स, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की स्टूडेंट थी, एक नर्स जो कि बहुत ही एक राजसी घराने, बहुत ही धनवान एक परिवार से थी, लेकिन उस समय जो है नर्सिंग प्रोफेशन का आरंभ ही हुआ था और कोई भी जो है उस प्रकार के कार्य को करना नहीं चाहता था जो कि दीन दरिद्र और बहुत ही जो ऐसे रिजेक्टेड और तिरस्कार किए हुए लोग हैं समाज के, उनकी सेवा करने का जो कार्य है, ऐसे समर्पण के साथ उन्होंने अपने सेवा के कार्य को किया कि वो जिन मरीजों का जो देखभाल करते करते जो है, और बहुत ही कम उम्र में उनकी उनके मृत्यु हुई, और प्रभु यीशु मसीह के उस सेवा के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के उस उद्देश्य को हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन में किस प्रकार से पूरा किया। अनेकों ऐसे चुनौतियां होंगी जो आत्मिक जीवन से और उस यीशु मसीह के क्रूस उठाने के जीवन से आज हमें भटकाती होंगी। आज हमें निर्णय लेना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो है उसकी पहचान, उसको जानते हुए, उसकी पहचान में बढ़ते हुए, उसके उद्देश्य को पहचानते हुए, उसके साथ जो है मैं संगति में आगे बढ़ूंगा। आइए हम ये समय लें प्रार्थना करने के लिए। प्रभु हालेलुया, आपने अपने उस राज्य को प्रभु यीशु मसीह में फिर से स्थापित किया है। आपका राज्य अविनाशी राज्य है। आप अविनाशी प्रभु महायाजक हैं जो परमेश्वर के साथ, जिसने हमारा मेल मिलाप कराया। आप हमारे एकमात्र मध्यस्थ, हमारे बिछुआई हैं प्रभु हालेलुया। आपने प्रभु उस क्रूस पर हमारे पापों का क्षमा, प्रभु का मार्ग संभव किया प्रभु, कि हमें पापों की क्षमा मिल सके, क्योंकि आपने हमारे हर एक पापों की सज़ा प्रभु उस क्रूस पर ली। प्रभु आपने हमारे जीवन से मृत्यु के भय को, मृत्यु की गुलामी और दासता को दूर किया हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि आप मृत्युंजय परमेश्वर हैं। आप फिर से जी उठने वाले प्रभु पुनरुत्थान के परमेश्वर हैं। साथ ही प्रभु आज सुबह प्रभु हम कलीसिया मिलकर प्रभु आपके उस उद्देश्य को, शिष्यत्व के उस मार्ग को प्रभु हालेलुया उसमें कदम बढ़ाने के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। हालेलुया, प्रतिदिन प्रभु हम अपनी मर्जी नहीं लेकिन आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने पाएं। हालेलुया प्रभु हालेलुया, हम इस संसार के जीवन को प्रभु और इस संसार के पीछे चलने वाले नहीं लेकिन आत्मिक जीवन को और प्रभु आपके साथ संगति के जीवन को अपनाने वाले हों। साथ ही प्रभु हालेलुया, हम प्रभु आनंदित हैं प्रभु की
एक दिन प्रभु जब हम आपके सम्मुख खड़े होंगे, प्रभु हालेलुया, आपका ये वायदा है कि जो मेरे नाम से, जो इस दुष्ट और व्यभिचारी जाति में मेरे नाम के लिए, आत्मिक जीवन के लिए खड़ा होने से ना लज्जाएगा, पिता और स्वर्ग दूतों के सामने मैं भी उसका अंगीकार करने से ना लज्जाऊंगा। प्रभु हालेलुया, उस अंतिम दिन में प्रभु आपके सामने, प्रभु हालेलुया, बड़े आदर और प्रेम के साथ खड़े होने के लिए प्रभु कलीसिया के हर एक जन को तैयार करें। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना और विनती सुनने के लिए। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने जीवनों को समर्पित करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने लगा मैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु फिर से समर्पित करते हैं अपने जीवनों को। हालेलुया, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, जो निरंतर परमेश्वर के गवाह बनने के लिए और शिष्यत्व के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमारा सहायक है, उसकी संगति सुनने वाले हर एक भाई और बहन के साथ अब से लेकर आपके दूसरे आगमन तक होती रहे। आमेन। प्रे विदाउट सीसिंग, निरंतर प्रार्थना करें। एज अ चर्च वी हैव रेज्ड प्रेयर इन दीज डेज एंड वी वुड लाइक टू स्पेसिफिकली प्रे फॉर यू इफ यू हैव अ पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट। अगर आप में से किसी को व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना की जरूरत है तो हम आपके साथ प्रार्थना करना चाहते हैं। यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अ लिंक गिवन or in the live chats, the same link is available where you can just click on that, put your name and number and your prayer request and click on the submit button and the prayer request will be made available to us. Aap us description box mein ya live chat mein ek link aapko mil jayega, us link ko daba ke click kijiyega aur us form ko aap fill up kar dijiyega, aapka naam, number aur prarthna ka jo request hai आप उसमें भर दीजिएगा और सबमिट बटन दबा दीजिएगा। ये प्रार्थना का जो रिक्वेस्ट है हमारे पास आ जाएगा और हम में से कोई आपको कॉल करेंगे और आपके साथ प्रार्थना में टाइम स्पेंड करेंगे। वन ऑफ अस फ्रॉम आवर चर्च, फ्रॉम आवर लीडर्स विल कॉल यू एंड विल बी विथ यू इन दिस प्रेयर, इन दिस टाइम ऑफ प्रेयर। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के प्रेमरे नाम में सबको नमस्कार। कलीसिया सवेरे और शाम को 7:30 से 8:30 बजे जूम ऐप के द्वारा मिजवाई की प्रार्थना में शामिल होते हैं। आप सब हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ सकते हैं जूम ऐप के द्वारा। हिंदी कलीसिया की प्रार्थना दर रोज शाम 5 बजे से 6 बजे जूम ऐप के द्वारा होती है। आप हिंदी कलीसिया के प्रार्थना में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं इस प्रार्थना के बारे में, आप किसी भी सदस्य से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या कलीसिया के सोशल मीडिया पेज में लिखकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय मसीह।